हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। भगवान से प्रार्थना, तो आप सदा ही कुशल मंगल रहे। तो दोस्तों, नए व्लॉग में फिर एक रोमांचक वीडियो के साथ आपके पास पेश हुआ हूँ। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, अब मैं घूमने के लिए निकल चुका हूँ और आज आपको गांव के बाग दिखाऊंगा। हमारे गाँव में काफ़ी बाग है और कैसे आम लगे हुए हैं और कौन सी प्रजाति के लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको इस व्लॉग वीडियो में दिखाऊँगा। तो चलते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों आपको काफ़ी पेड़ नजर आ रहे हो, गांव से टच में ही है, जो पिलोट है गुब्बर पाथने के लोगों के, सभी में पेड़ लगे हुए हैं। बना रहा, हाँ बना रहा, बना ले रहा है। इसकी तो बना ही क्या, एक बजे जा लिया था खेत में, साढ़े तीन बजे। चलो बड़ी अच्छी बात है, मुँह माँ तो धो लिया था आज? नहीं, मुँह तो आके धोया था फिर खेत में। अच्छा, खेत में धो आके, चलो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, मन पे धोया था आके, भाई बेबी जार बन जाएंगे खेत में। सही, रखवाल कर रही, रखवाल कर भाई, जाना तो पड़ेगा, क्यों तो यो फिर रहा ही नहीं। हाँ, यो रहा एक, हाँ यो फिर रहा, इसका तो धूप नहीं, तो चुद्ध ने तोड़े बहुत भाई, बहुत तोड़े कल तो। अरे तो तेरे वाले में भागे निकल में, भागे तू गए एक बार बताऊँ, जब आराम से चले ना। हाँ, जब नहीं तो दाँप पड़े। ये सत्य है दोस्त, सभी बुग्गी झोटा लेकर अपने काम पर निकल चुके हैं खेतों में। ये देखो कुछ कुत्ता बुग्गी के पीछे पीछे चल रहा है दोस्तों। और भाई, ये गांव से निकलते ही आप देख सकते हैं गांव की जड़ में ये आपको आम का बाग नज़र आ गया होगा दोस्तों। ये हमारे गांव के राजेंद्र पंडित जी का बाग है दोस्तों, आम का, और ये जड़ में ही इसके अमरूद का और आड़ू का बाग है दोस्तों। ये गांव से लगते ही है बिल्कुल दोस्तों, और ये भी गांव से लगते हैं जो पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो बाग आपको नज़र आ रहा है, ये बाग रामजीत किरमजीत का है भाई, गाँव का ही। हाँ जी, तो राम राम। हाँ, कल तोड़े ये तेरे, वे 24-25 थे, वे मेरे वाले खेत में थे, मेरे वाली पेटी में बाढ़ गए थे, फिर मेरे वाली तोड़ी, बोवड़ तोड़ा, अमित वाली में को लिगट गए, फिर ये तेरे वाली में को भागे, फिर हम दोनों परे ताक आए थे, ऐसे थे 24-25 बिजारों का झुंड था एक जगह, सारा तोड़ दे, वो टूटे नहीं पड़ा। कल मैं भी ऐसे 4-5 बरोटे लाया। हाँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, सुबह सुबह के टाइम आपको पक्षियों की, कितने पक्षियों की कितनी सुंदर सुंदर मधुर आवाज़ें आ रही होगी, बड़ा ही आनंद आता है आवाज़ों को सुनने में। ये पहुँच चुके हैं हम दोस्तों देशपाल ठाकुर के बाग पर। ये लंगड़ा प्रजाति का आम है दोस्तों, काफ़ी अच्छा आम होता है, और ये आम की खासियत आपको बता दूं, ये दो ही आम आपका पेट भरता है। यदि और प्रजाति का आम आप कितना ही खा लो, आपका पेट नहीं भरेगा सुगाड़ा सा, लेकिन ये दो ही आम आपका पेट भर देगा, इस प्रजाति की यह खासियत है दोस्तों। चल दे वैसे जा खेत में, देख सकते हैं काफ़ी सुंदर आम लगे हुए हैं, काफ़ी आम लग रहे हैं, बड़े अच्छे आम आ रहे हैं लंगड़ा प्रजाति पर, ये काफ़ी सुंदर आम आपको नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। और इसमें और भी प्रजाति है, आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कटहल के पेड़ है, कितनी कटहल लगी हुई है, काफ़ी सुंदर और भारी कटहल है, 5 से 10 किलो तक की कटहल उतर जाती है इस पेड़ पर दोस्तों। ये कटहल का पेड़ है, काफ़ी अच्छा पेड़ और सुंदर पेड़ है। ताई राम राम, राम राम। कंची दबोगे जहाँ जमानी? हाँ नहीं, इसमें तो काट दी थी कल, बिजारोगी? हाँ तो ये दब जाए दोस्तों। हमारे देता बने हुए हैं मेन सड़क पर, और इधर भी आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं, और देता के पास भी हमने दो पेड़ लगा रखे हैं, आम के, एक हीरा, एक हीरा दोस्तों। यहाँ पर इस गांव में ज़्यादातर सभी ने पेड़ काफ़ी लगा रखे हैं। और दोस्तों आपको बताऊं, अगली व्लॉग वीडियो मुझे बिजारों पर बनानी पड़ेगी, बिजारों से काफ़ी किसान परेशान है, बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है गाँव में। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं नाशपत्ती का पेड़ है, जैसे कि शहरों में बब्बू गुस्सा आते हैं, उसी तरीके के नाशपत्ती का फल है, जिसे नाग फल भी बोल देते हैं, लेकिन ये नाशपत्ती है, उससे अगल प्रजाति है, मिलती जुलती प्रजाति है दोस्तों। और ये देसी पेड़ का है दोस्तों, जिसकी छोटी अंबी आती है, बहुत खट्टी होती है, इसका अचार काफ़ी अच्छा गिरता है,
काफ़ी विशाल पेड्डा हो जाता है, इसे बोलते हैं देसी पेड्डा। और दोस्तों इस बाग से आगे भी आपको सामने पेड़ नज़र आए, ये भी बाग है, काफ़ी बाग है गांव में। किस किस के बाग दिखाऊँ आपको, व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए कुछ ही बाग आपको दिखा रहा हूँ जो 200-300 मीटर के दायरे में है, एक साइड के बुढ़ाना रोड के। ये देख सकते हैं ये दशहरी प्रजाति है, काफ़ी अच्छा आम लगता है और शुरू में दशहरी प्रजाति चालू हो जाती है जल्दी ही। और ये देखिए ये दशहरी बाग है, और भाई ये यहाँ पर रखवाल के लिए बैठे हुए, ये कैरेट है जिनमें आपकी आम लगकर पाल लगकर मार्केट में जाता है। कहाँ जा ले देख सकते हैं आप, यहाँ पर बच्चे लगे हुए हैं, यहाँ पर खाट बिछी है, बाग के बीचों बीच झोपड़ी डाली हुई है बारिश से बचने के लिए, यहाँ पर ये बच्चे सब रखवाल करते हैं बाग वाले। कौन खा रहा भाई ना? गद्दड़। गद्दड़ रात को आके खा गए? हाँ भाई, पाल की फाड़ गए सारी पेटी में दही। हाँ। और तुम सोते रह गए? अधिक रेट फाड़ रखी भाई। अच्छा जो लट्ठी टंग रही है इसे लग्गी बोलते हैं दोस्तों, इससे ही पेड़ से आम तोड़ जाते हैं, इस पे आगे लट्ठी पर हुक लगा हुआ है, इसे अड़जाकर आम तोड़ जाते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों अब मैं चौसे के बाग में बढ़ रहा हूँ, इसमें कई प्रजाति के आम है। ये चौसा है, ये सपोर्ट के लिए टंडी लगा रखी है, फल आ रहा है, ज़्यादा झुक रहा है, काफ़ी विशाल पेड़ा होता है और चौसा का कोई जवाब नहीं होता, इससे स्वादिष्ट आम कोई नहीं होता चौसे से, और मार्केट में सबसे महंगा ये आम बिकता है और हमारे ज़िले में से नंबर वन का आम है इस देशपाल के बाग का जो चौसा है, जिले में नंबर वन है, काफ़ी जाखेदार आम है, अगली जाका है इस चौसे का, काफ़ी विशाल पेड़ा हो जाता है, बहुत विशाल, एक ही पेड़ा आध पौन भी जमीन को घेर लेता है दोस्तों। और देखिए आप कितने विशाल विशाल पेड़ है, बहुत विशाल विशाल बड़े बड़े पेड़ है दोस्तों। और इसके अंदर मैं आपको और भी प्रजाति दिखा देता हूँ, ये लीची का पेड़ है दोस्तों, लीची के भी कुछ पेड़ है, ये टूट चुकी है लीची, अब से पहले ख़त्म हो गई, यहाँ पर अगेती प्रजाति आती है, देसी लीची है। और दोस्तों तो बाग तो काफ़ी है इस गांव में, आपको मैं दिखाऊंगा तो बहुत अधिक बाग है हमारे गांव में, और गांव के अंदर हर घर में भी कई पेड़ लगे हुए हैं दोस्तों, हमारे गाँव में हर घर के अंदर भी। अभी किसान खेत के लिए निकल चुके हैं, चल दिए और सभी खेत में आने लग रहे हैं दोस्तों, सुबह सुबह कार्य करते हैं सभी, ठंड ठंड में कोई बुग्गी बैल लेकर आ रहा है, कोई झोटा बुग्गी लेकर आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल, कोई पैदल। और दोस्तों ये बगीची है, ये मेरी है, ट्वेल के सामने, इसमें कुछ अमरूद के और कई प्रजाति के पेड़ मैंने लगा रखे हैं दोस्तों, और व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए बाग अभी मैंने बहुत छोड़ दिया है दोस्तों। काफ़ी बाग है हमारे गाँव में, और गाँव के अंदर भी हर घर में कई कई पेड़ हैं, और पर्यावरण के मामले में देखें तो सबसे अधिक पेड़ हमारे गांव में है, बहुत अधिक पेड़ है। यदि इस तरीके से हर गांव में पेड़ हो, कहीं पर भी ऑक्सीजन की और बारिश की कमी नहीं होगी, काफ़ी अच्छी बारिश और काफ़ी अच्छा मौसम रहेगा यदि इस तरीके से हर गांव में पेड़ हो दोस्तों। काफ़ी बाग बच चुके हैं, बेरियों का भी बाग बच चुका है, परली तरफ सीता का बाग बच चुका है, मुंशी का बाग बच चुका है, विजयपाल जी का बाग बच चुका है, काफ़ी बाग है अभी रह गए हैं, अगली वीडियो में देखूँगा आपके लिए लाऊँगा दोस्तों। और दोस्तों मुझे भी वार हो रही है व्लॉग बनाने के चक्कर में, मेरा भी खेत का काम रुक चुका है, सभी किसान खेत में आ चुके हैं, अब मैं भी गांव में जाकर और वह अपने हथियार उठाकर खेत के लिए रवाना होता हूं। और दोस्तों इसी के साथ ये व्लॉग वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, नई व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, जय हिंद दोस्तों।